आज महाशिवरात्रि के मौके पर सुबह से ही शिवालयों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी हुई है। मंदिरों में बोलबम और ओम नमः शिवाय गूंज उठा। वहीं लाखों कांवड़िया जल भरकर जनपद मुजफ्फरनगर की हृदय स्थली कहे जाने वाले शिव चौक शिव मंदिर सिद्ध पीठ पर पवित्र गंगा जल से जल अभिषेक करते हुए बेलपत्र दूध दही शहद पुष्प आदि से पूजा कर रहे हैं। शिव भक्त की सुरक्षा को देखते हुए शासन प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट दिखाई दे रहा है। सभी शिव मंदिरों में व्यवस्था बनाने के लिए पुलिस प्रशासन की टीम लगी हुई है। इस खास मौके पर हमारे संवाददाता ने शिव भक्तों से खास बातचीत की और आप भी सुनिए इस दौरान शिव भक्तों ने क्या कुछ कहा। सावन में भोलेनाथ की पूजा करती है, ये हमारा एक खास पर्व है। इस दिन भोलेनाथ की और माँ पार्वती की पूजा की जाती है, तो लोग अपनी श्रद्धा के अनुसार भगवान की पूजा करते हैं, व्रत करते हैं और उनका पूजन करते हैं। और कई लोग तो सावन में रुद्राभिषेक भी कराते हैं, जो शिव जी के भक्त हैं उनको मानते हैं। पर्व को मैं बहुत धूमधाम से मनाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं डेली शिव मूर्ति जाती हूँ, वहाँ पे कांवड़ियों की सेवा करती हूँ, मुझे इसमें बहुत आनंद आता है। और मैं स्कूल में जॉब करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ये पर्व पूरा एक हफ्ते चलता है, जो चलता तो ज़्यादा दिन है पर हम लोग को हॉलीडेज वन वीक की मिलती है। दूसरी तस्वीरें धर्म नगरी हरिद्वार से सामने आ रही है। भगवान शंकर का सबसे प्रिय दिन आज का माना जाता है और धर्म नगरी हरिद्वार में हर तरफ भगवान शंकर के गण शिव भक्त ही शिव भक्त नजर आ रहे हैं। आज श्रावण की शिवरात्रि यानी शिव की भक्ति का सबसे अच्छा दिन है। ऐसा माना जाता है कि जो भी श्रद्धालु शिवरात्रि के दिन शुभ मुहूर्त में जल अभिषेक करता है उसे कई गुना फल का प्राप्त होता है और भगवान शिव के जल अभिषेक करने पर शिव की कृपा होती है। ये भी माना जाता है कि शिव श्रावण के पूरे महीने अपने ससुराल कनखल में ही निवास करते हैं। हरिद्वार में शिव मंदिरों में भोले शिव का जल अभिषेक करने के लिए श्रद्धालु की लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं और श्रद्धालु अपनी बारी का इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं पुलिस प्रशासन भी मंदिर परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हुए हैं। ये बहुत पुराना प्राचीन मंदिर है और यहाँ पे मान्यता रखी जाती है कि पूरा सावन का महीना शिव शंकर जी यहीं पे जो अपनी प्रार्थना है वो पूरी करते हैं। अपनी जो मनोकामनाएं है, हर मनोकामना यहाँ आने से पूर्ण होती है, ये महत्व माना जाता है। ये बहुत पुराना मंदिर है, सदियों से चला आ रहा है। हमारे हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि कनखल स्थित दक्ष प्रजापति ये शिव शंकर भोलेनाथ जी की ससुराल है और ऐसा माना जाता है कि एक महीना सावन के महीने में शिव शंकर भगवान जी यहीं पर निवास करते हैं। अब तस्वीरें आपको उत्तराखंड के सितारगंज से दिखा रहे हैं, जहां सावन के पावन माह में शिवरात्रि पर्व के उपलक्ष्य पर हरिद्वार से जल लेकर लौटे कांवड़ियों का नगर आगमन पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। इस दौरान भोलेनाथ के जयकारों से नगर का माहौल भक्तिमय हो गया। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सावन का महीना भगवान भोलेनाथ का सबसे प्रिय होता है। ऐसा भी कहा जाता है कि जो भी शिव भक्त कांवड़ लेकर भोले बाबा के दरबार पहुंचता है उसकी सारी मनोकामनाएं भगवान शिव पूरी करते हैं। इस महीने में भगवान शिव का भक्तों पर विशेष आशीर्वाद होता है। कांवड़ियों क्या कार्यक्रम था? जी बिल्कुल, भगवान भोलेनाथ के जो कांवड़िया है जो हरिद्वार से जल लेकर पहुंचे और सितारगंज पहुंचने पर भाजपा के वरिष्ठ लोगों ने, भाजपा के नेताओं ने, जैसे कि अपने सुखदेव सिंह जी हैं, अपने भाजपा के जिला अध्यक्ष हैं, मंडल अध्यक्ष हैं, तमाम ऐसे वरिष्ठ कार्यकर्ता भाजपा के कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से फूलों से स्वागत किया है। इस बीच में हमारे कैबिनेट मंत्री भाई सौरभ बहुड़ा जी को भी आना था, जिस कारण बहुत ज़्यादा व्यस्तता होने के कारण उनने हरिद्वार में स्वागत किया है कांवड़ियों का। रुख करते हैं गाजियाबाद की ओर। आज पूरे देश में श्रावण माह की शिवरात्रि की धूम मची हुई है। ऐसे में गाजियाबाद का सबसे प्राचीन दूधेश्वर नाथ मंदिर में भक्तों की भीड़ दिखाई दे रही है। भक्त अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन के साथ साथ मंदिर प्रशासन भी पूरी तरह से व्यवस्था में लगा हुआ है। दूधेश्वर नाथ महादेव मठ मंदिर का इतिहास आपको बताते हैं। मंदिर में शिवलिंगम रूप में विराजमान है और कहा जाता है कि ये कम से कम 5000 साल पुराना है। माना जाता है कि रावण के पिता विश्वाश्वर कठोर ने यहाँ तपस्या की थी और भगवान श्री राम ने शिवलिंग का दूध से जलाभिषेक करने पर यहाँ शिव बाबा दूधेश्वर नाथ के रूप में कालांतर में प्रसिद्ध हुए।
मंदिर के निर्माण को लेकर मान्यता है कि औरंगाबाद के देव और उगमा के बाद देवकुंड धाम का एक ही रात में भगवान विश्वकर्मा द्वारा मंदिर का निर्माण किया गया था। वहीं आज शिवरात्रि के इस अवसर पर हमारे संवाददाता ने शिव भक्तों से इस दौरान खास बातचीत की। आप भी सुनिए इस दौरान शिव भक्तों ने क्या कुछ कहा है। सावन का पावन महीना चल रहा है और आज जल अभिषेक की घड़ी आ चुकी है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे का दृश्य है। मैं इस समय गाजियाबाद के दुधेश्वरनाथ महादेव मठ मंदिर में मौजूद हूं और आप देख सकते हैं शिव भक्तों का तांता किस तरीके से मंदिर परिसर के अंदर से बाहर तक का ये लाइन जो है, ये कतारें जो है वो खड़ी है। आप देख सकते हैं लाइन के कतारों में शिव भक्त जो है अपने अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं और जल चढ़ाने के लिए, जल अभिषेक करने के लिए लंबी लंबी कतारों में लगे हुए हैं। इनसे बात करने का भी प्रयास करेंगे और जानेंगे क्या कुछ भक्ति है मंदिर, इस मंदिर से क्या आस्था जुड़ी हुई है। इनसे बात करें, क्या नाम है आपका? प्रतिभा नाम है मेरा। क्या श्रद्धा है इस मंदिर से, क्या आस्था जुड़ी हुई है आप लोग? प्राचीन मंदिर है यहाँ पर, हमारे पूर्वज भी यहाँ पे पूजा करते थे। ठीक है, ये सिद्ध पीठ है यहाँ पर, सभी की बहुत ज्यादा मान्यता है, सभी लोग यहाँ पर आते हैं पूजा करने के लिए। मैं भी बचपन से आ रही हूँ यहाँ पे। अक्सर कहा जाता है कि यहाँ पर हर मनोकामनाएं पूर्ण होती है, तो कितनी सच्चाई है इसके अंदर? बिल्कुल पूरी तरह सच्चाई है। अगर मन में श्रद्धा भाव है, सच्ची श्रद्धा से पूजा की जाए तो पूरी मनोकामना होती है। यहाँ पर जो व्यवस्था है पुलिस प्रशासन से लेकर जो मंदिर के सहयोगियाँ हैं, किस तरीके की व्यवस्था है और क्या कहेंगे इसके लिए? बहुत ही अच्छी व्यवस्था है, साफ सफाई है पूरी तरह से यहाँ पर मंदिर के परिसर में आसपास। ऐसा नहीं है कि सड़कें गंदी हैं, लाइंस लगी हुई हैं, कोई किसी के साथ मिसबिहेव नहीं कर रहा, प्यार से बात करके सबको लाइन में लगा के भेज रहे हैं। बहुत अच्छी व्यवस्था है ये मंदिर परिसर में पहुंच रहे हैं। आप पीछे की तस्वीरें देख सकते हैं, ये मंदिर का द्वार है और यहाँ पर अपनी अपनी बारियों का इंतजार कर रहे हैं और लोग धीरे धीरे करके मंदिर परिसर की तरफ बढ़ रहे हैं और यहाँ पर लाखों की संख्या में जो हरिद्वार से जल भरकर जो कांवड़िया है वो यहाँ पहुंच रहे हैं और अपनी अपनी मनोकामनाओं के साथ जल अभिषेक कर रहे हैं। गाजियाबाद से अजीत रावत की रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।